नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पीईटी एग्जाम 2021 का जो है आयोजन कल की डेट में संपन्न हो चुका है और इसके पेपर की कठिनाई के स्तर और विभिन्न प्रकार के सवालों को लेकर के अभ्यर्थियों में लगातार जो है प्रश्न उठ रहे हैं और उन प्रश्नों को लेकर के एक जद्दोजहद इस बात को भी है कि प्रश्न के कठिनाई का स्तर क्या था, मेरिट कहां तक जा सकती है और ऐसे अभ्यर्थी जिनका पेपर सही नहीं हुआ है किसी कारण से, उन लोगों के समक्ष अब क्या विकल्प होने चाहिए पढ़ाई के लिए। इन सभी बिंदुओं को हम लोग आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में जो समेटने का प्रयास करेंगे और एक स्पष्ट जो है निष्कर्ष की तरफ जो बढ़ने का भी प्रयास करेंगे। तो प्रथम दोनों ही जो है प्रथम और द्वितीय दोनों ही पालियों के पेपर होने के बाद और विभिन्न प्रकार के अभ्यर्थियों से जो बातचीत के बाद निष्कर्ष निकाला गया है वो लोगों में एक सामान्य धारणा है कि पेपर सरल था। तो एक पहला पॉइंट अगर इसको यहां पर नोट करें तो एक सामान्य धारणा जो है यही है कि पेपर जो है वो सरल था। सामान्य धारणा है कि पेपर जो है वो सरल था। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि पेपर सरल था तो इसके कट ऑफ कितने जा सकते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी अभ्यर्थियों के मन में जो है ये सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जो 70 से 75 या 65 से 70 या इस तरीके के क्वेश्चन के अराउंड में है उनके मन में ये सवाल और ज्यादा ही उठ रहे हैं। ये बात और है कि यदि कोई 80 या 85 क्वेश्चन सही करके आया है तो उसके लिए यह सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो बॉर्डर की स्थिति में होते हैं उनके लिए लगातार ये सवाल उठता है कि वो अंदर हैं या बाहर हैं। तो ऐसी स्थिति में एक और धारणा को स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो 85 या 90 बार बार बता करके अन्य अभ्यर्थियों के मन में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ये केवल इसी परीक्षा में नहीं बल्कि पूर्व के सभी परीक्षाओं में इस तरीके की धारणाएं और भ्रांतियां जो है अभ्यर्थियों में विद्यमान रहती हैं। तो जिसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि कोई भी अभ्यर्थी स्वयं अपना पेपर हल करके आता है और स्वयं अपना मिलान करता है तो वह मिलान अपने अनुसार करता है, ना कि वो किताब के अनुसार करता है और ना ही वो जो है बोर्ड के द्वारा जारी किए गए आंसर की के अनुसार करता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा बढ़ाकर बताता है और इसलिए भी बताता है क्योंकि आंसर की ऑफिशियल आई नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि 85 कोई बता रहा है तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका 75 ही है तो आप धैर्य बना करके चलिए और आप आंसर की का इंतजार कीजिए और रिजल्ट का इंतजार कीजिए, क्योंकि कट ऑफ वहां पर चौंकाने वाले आने वाले हैं। क्योंकि इसके संदर्भ में 85 और 90 जो भी विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा कट ऑफ व्यक्त किए जा रहे हैं उतनी ज्यादा नहीं जाने वाली है। अब इसके पीछे की जो लॉजिक है मनसा उस बात को समझ लेना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि यह एक ऐसा पेपर था जिसमें 7 से 8 जो है मेजर सेक्शन बनाए गए थे और कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होता है जिसके सभी सेक्शन की तैयारी हो, सभी सेक्शन की तैयारी हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। तो उसमें 1-2 सेक्शन ऐसे होते हैं जिसपे कमजोर पॉइंट होते हैं और ऐसी स्थिति में वहां से वो प्रश्न कम हो जाते हैं। और दूसरा, इसमें एक नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति थी। नकारात्मक मूल्यांकन का ये प्रभाव होता है कि व्यक्ति जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं कैंडिडेट के अपने स्वयं के मूल्यांकन में, क्योंकि अगर वो इस तरीके से जोड़ता है कि मैंने जो किया वो सही, अगर 8 सवाल के अंतर उसमें बनते हैं गलत होते हैं तो वो जो है माइनस मार्किंग में ले जा करके उसके 2 से 3 सवाल और भी गलत कर देता है। तो ऐसी स्थिति में वो जहां पे 7-8 क्वेश्चन गलत होता है वो 10-11 क्वेश्चन का अंतर बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो उतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना कि लोगों में एक भ्रांति है, एक सामान्य जो धारणा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को धैर्य बनाने की आवश्यकता है और कट ऑफ के संदर्भ में जो मेरा अनुमान है वो यही है कि कट ऑफ आपके जो है 70 के अराउंड ही जाने की संभावना होगी। अब इसमें प्लस माइनस 2 या 3 मार्क्स हो सकते हैं, तो इसलिए आपने जो भी प्रश्न हल किए हैं आप उसका जो है मिलान अवश्य कर लीजिए, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। धैर्य बनाइए और हर अगले दिन जो है तैयारी के माध्यम से अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर इस दिशा में आप बढ़ते हैं तो आने वाले समय में यहाँ पे उन कैंडिडेट के बारे में बात करना चाहता जिनके पेपर किसी कारण से जो है सही नहीं हुए हैं। यहां पर यह ध्यान में रखना है कि पेपर खराब हुआ है, जिंदगी नहीं। इसलिए जिंदगी आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगामी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी शासन व्यवस्था भी चल रही, विभिन्न प्रकार की भर्ती बोर्ड भी विद्यमान है और उनका एकमात्र काम आने वाले समय में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन लेना और उसके माध्यम से परीक्षा आयोजित करके विभिन्न पदों पर भर्ती करना। तो ऐसी स्थिति में ऐसे कैंडिडेट जिनका भी पेपर किसी कारण से बहुत अच्छा नहीं हुआ है वो भी अपनी तैयारी, जैसा कि अभी पूर्व में जो है एक लेक्चर अपलोड किए गए हैं कि
डाक विभाग में जो भर्ती निकली हुई है, तो ऐसे कैंडिडेट जो वहां पे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो उनके लिए आवेदन करें। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश में एसआई की भर्ती आगे जो है गतिमान है, तो जिसके बारे में आपको तैयारी करना है, तो आप यहाँ पे अगर पेपर किसी कारण से कुछ कम ठीक हुआ है तो आप अन्य विकल्प पर बेहतर ढंग से जो है लग जाइए, ताकि वहां के माध्यम से जो भी भर्तियां होनी है उसमें अपने आप को सम्मिलित कर पाइए। अगला एक महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस चैनल के माध्यम से विजेता बैच प्रारंभ किए गए थे, लगभग 68 लेक्चर पीईटी के बारे में अपलोड किए गए थे, और वे सारे जो है लेक्चर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। पेपर का एनालिसिस करने पर विभिन्न कैंडिडेट्स से जो बात हुई है उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर सिलेक्टेड टॉपिक जो थे वो बहुत ही जो है परीक्षा उपयोगी थे। यहाँ से आपकी परीक्षा में जो है एक अप्रोच देने का हमने प्रयास किया था, और वो अप्रोच विभिन्न प्रकार के सवालों में दिखा। केवल वन लाइनर और फैक्चुअल और केवल विकल्पीय प्रश्न को तैयार करने से कभी किसी परीक्षा की तैयारी नहीं होती, और ऐसे ही स्टूडेंट पढ़ने वाले वहां पे सवाल गलत करके आए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो संविधान राज्य व्यवस्था हो, या हिस्ट्री हो, या मैं तो जो भी टॉपिक थे, या जनरल अवेयरनेस के टॉपिक जो भी पिछले कई लेक्चर अपलोड अभी हाल में जो है किए गए हैं, उससे मैंने देखा कि क्वेश्चन ज्यों का त्यों वहां अप्रोच से मिले हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का एक दो क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कि जैसे कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात से संबंधित, तो ये इसके बारे में मैंने अप्रोच देने का प्रयास किया था कैंडिडेट का। अगर लोग उस लेक्चर को देखे होते तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन गलत नहीं होते वहां पे, लेकिन कैंडिडेट्स ने किसी कारण से उस लेक्चर को अगर मिस किया तो उनके सवाल वहां पे गलत हुए। इस तरीके से इकोनॉमिक्स के संदर्भ में बैंक रेट के बारे में भी पूछा था, थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बनाने का प्रयास किया गया था विकल्प में, लेकिन जिन लोगों ने भी अभी पूर्व में एक हफ्ते पहले अपलोड किए गए जो बैंकिंग बैंकों का राष्ट्रीयकरण और जो बैंक आरबीआई के कार्य मैंने जो टॉपिक अपलोड किया था वहां से ज्यों कहते हैं उस क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि केवल फैक्चुअल और वन लाइनर आपकी पढ़ाई का आधार नहीं होना चाहिए। पढ़ाई आप एक अप्रोच के आधार पर कीजिए, एक कॉन्सेप्ट के आधार पर कीजिए, और इस तरीके से आप एक संपूर्ण पक्षों को जो है संपूर्ण आयाम को समझने का प्रयास कीजिए। तो आज के इस लेक्चर में पीईटी के पेपर के बाद जो हमने जो है विभिन्न प्रकार के पक्षों को जो है एनालिसिस करने का प्रयास किया, और आप लोगों को यह संदेश भी देने का प्रयास किया कि कटऑफ को लेकर के आप कंफ्यूज मत रहिए। जिन लोगों के पेपर जो है सही नहीं हुए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके संदर्भ में भी मैंने इसी लेक्चर में जो है कुछ विकल्प बताए हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता है। और तीसरा कि इस चैनल के माध्यम से जो अप्रोचेज आप लोगों को दिया जा रहा है, तो मेरा ये जो है आप लोगों से आग्रह और अपेक्षा है कि आप लोग इस अप्रोच को लेने का प्रयास कीजिए। मैटर ये नहीं कि आपको कंटेंट कितना दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल आपको 100% चीजें नहीं बता सकता और किताबों का विकल्प 100% नहीं दे सकता, लेकिन जो अप्रोच दिए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अप्रोच लेकर के आप स्वयं अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, एक समझ पैदा कर सकते हैं, और इस आत्मविश्वास के साथ परीक्षा को फतह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के बारे में, इस लेक्चर के साथ आपको एक अप्रोच मिला होगा, एक दिशा मिला होगा, एक संदेश मिला होगा, तो उससे आप लाभान्वित होने का प्रयास कीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप आगे इसी तरीके से जो बढ़ते रहेंगे। अगले लेक्चर में पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।